दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि आपने जैब और क्रॉस पंच फेस पे, जैब क्रॉस पंच बॉडी पे कैसे मारेंगे, कैसे आप स्टेप जैब मारेंगे, कैसे स्टैंडिंग जैब मारेंगे, कैसे आप फेस पे मारेंगे, कैसे बॉडी मारेंगे। तो आज का नेक्स्ट लेसन है, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूं कि आपने पीछे जाते समय कैसे पंचिंग करनी है जैब की, फिर बताऊंगा कैसे पीछे जाते समय क्रॉस पंच मारना, आपने कैसे फेस पे मारना है, कैसे बॉडी पे मारना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऑन गार्ड पोजीशन जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं, जो चैनल पे नए हैं पिछले वीडियो में देखेंगे, पूरी सीरीज चल रही है, पूरे एपिसोड चल रहे हैं बॉक्सिंग के, फ्री बॉक्सिंग कोर्स नाम है इस सीरीज का। तो सबसे पहले आप ऑन गार्ड पोजीशन बनाएंगे, उसके बाद जब आप जैब पीछे की तरफ जाते मारेंगे तो आपका पहले पीछे पैर चलेगा, जैसे कि मैंने फुटबॉल वाली वीडियो में बताया था, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि आप जब जैब मारेंगे तो आपका राइट पैर पीछे जाएगा और लेफ्ट पैर आगे रहेगा। दो में आप इधर आएंगे, वन टू, वन टू, अब आप इधर से दिखाऊंगा मैं आपको पीछे आसन लगे, वन, क्या किया हमने, ये पंजे में रखा हुआ है, ये ट्रंक को रोटेशन किया और हाथ आगे गए, ध्यान रखने वाली बात है हाथ को डाउन नहीं जाना है, पंच करते समय सीधे बन मारना है, ऐसे नीचे नहीं आना है, ऐसे मारा वापस, अगेन वन टू, वन टू, ऐसे इधर से दिखाता हूं आपको, पीछे जा सकते देखिए, वन टू, पार मैटर में सीखने आप सबसे पहले पार्ट मैटर में, वन टू, वन टू, वन टू। तो ये आपको मैंने बताया कि आप जैब पंच मारते समय पीछे की तरफ कैसे जाएंगे, जैसे कि फुटवर्क में बताया था आपको मैंने, पीछे जाते समय पहले राइट पैर जाएगा फिर लेफ्ट पैर जाएगा, ध्यान रखने वाली बात है कि आपने दोनों का डिस्टेंस को मेंटेन करना है। अब दोस्तों क्रॉस पंच, क्रॉस पंच करते समय भी यही है, आपने पीछे जाते समय पहले आपने लेफ्ट पैर को थोड़ा पीछे करना है, देन क्रॉस वापस, लेफ्ट पैर से आपने पीछे आना है, लेफ्ट टू वापस, वन टू वापस, फिर से देखें आप, वन मतलब पहले आपने जो है लेफ्ट पैर से पीछे आना, वन टू वापस, वन टू वापस, वन टू वापस, फिर से देखें दोस्त, यहां से देखें ऑन गार्ड पोजिशन, वन टू वापस, क्या किया हमने, क्रॉस पंच को पीछे उठाया, लेफ्ट पैर को पीछे उठाया, राइट को पीछे हो गए, वापस लेफ्ट वापस, ये पांच पैटर्न है। अगर आप तेज करके दिखाऊंगा आप रेडी, इधर देखिए आप, इधर को देखिए आप, तो ये है थोड़ा थोड़ा अटपटे मूवमेंट है, ये सब मूवमेंट डेवलप होगा ट्रेनिंग करके, जितना आप ट्रेनिंग करेंगे उतना आपका मूवमेंट स्मूथ होते जाएंगे, तो आपको ट्रेनिंग कई बार करनी होगी, बस वही है ध्यान देने वाली बात जो शुरू में बताई थी मैंने आपको, हाथ अगर स्ट्रेट मारा है वही से वापस चलना है, मार के नीचे नहीं झुकाना है, जब आपने जैब पंच मारा क्रॉस पंच आपके चिन्ह में रहेगा, हाथ को पीछे नहीं खींचना है, बॉडी का वेट सेंटर में रखेंगे, आगे नहीं झुकना है, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। और नेक्स्ट आएगा कि आप बॉडी में पंच मार सकें पीछे के साइड, इसका भी सेम है, आपने ऑन गार्ड पोजीशन किया, जय मार सकें पीछे के, जय, क्या किया मैंने, इस तरह को पीछे ले गया, जय वापस, वन वापस, राइट पैर पीछे ले गए, वन देन वापस, ऐसे ही नेक्स्ट है, मैं आप साइड से दिखाऊंगा आपको, देखिए वन वापस, वन वापस, ऐसे इस तरफ को दिखाऊंगा आप करेंगे क्रॉस वापस, खड़े हो जाएंगे क्रॉस, नीचे बैठेंगे वापस आएंगे क्रॉस वापस। तो ये है क्रॉस पंच आप, सॉरी जैब पंच आप बॉडी में कैसे मारेंगे पीछे आते समय। नेक्स्ट है दोस्त, क्रॉस पंच को आपने बॉडी में कैसे मारना है, इसके लिए भी सेम है, पहले आपने लेफ्ट पैर को पीछे खींचना है, देन राइट को पीछे ले जाना है,
वापस। दोस्तों मैं एडवांस बता रहा हूँ, ये बहुत एडवांस है, तो आप बिल्कुल एडवांस ही सीखें, जबकि बेसिक ट्रेनिंग में आपको ये बता दें ऐसे मारे ये पैर नहीं जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आप लेफ्ट पैर खींचेंगे, राइट मारेंगे वापस। पहले आपने लेफ्ट पैर को पीछे लिया, राइट को पीछे ले गए वापस, इधर से देखें आप, इधर से देखिए आप साइड से, पीछे है पंच, पीछे है पंच, पीछे है पंच। तो ये है आपका कैसे आप क्रॉस पंच बॉडी में मारेंगे। तो ये है आज का चैप्टर, यही समाप्त करता हूं। आप इसमें खूब ट्रेनिंग करें, आपका मोमेंटम डेवलप हो जाएगा, मसल मूवमेंट में डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।